हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में पर्दा का डिज़ाइन पेंट करके दिखाने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वही डिज़ाइन है जिसका स्केचिंग इसके पहले हम शेयर किए थे, आज इसको पेंट करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन पार्ट को पेंट कर रहे हैं। इसके लिए हम लिए हैं सैप ग्रीन 21 और जो मेरा ये ब्रश है वो फ्लैट ब्रश है नंबर 3। तो सबसे पहले तो जो लीफ है उसको ग्रीन कलर से इस तरीके से फिल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले हैं इसके लिए, यानी कि बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। इसके पहले भी अपने चैनल पे हम बहुत सारा रोज पेंटिंग का वीडियो शेयर किए हैं जिसमें डिफरेंट तरीका बताए हुए हैं रोज पेंटिंग का, यानी कि लीफ बनाने का भी बिल्कुल अलग अलग तरीका बताया गया है और फ्लावर बनाने का भी बिल्कुल अलग अलग तरीका बताया गया है। तो यदि आपको लगे कि ये लीफ काफ़ी सिंपल हो रहा है तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। यहाँ पे हम सिंपल लीफ ही बनाएंगे क्योंकि ये उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती है। तो इस तरीके से आसानी से 2-3 लीफ को एक साथ फिल कर लेंगे और उसके बाद नीचे के तरफ यानी पत्ती जिधर झुकी हुई है उधर थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करेंगे और फिर उसे मिक्स कर देंगे ताकि जो ग्रीन कलर है नीचे का वो थोड़ा डार्क दिखे, तो एक प्यारा सा लुक आएगा। आप चाहे तो इसमें बीच में पतला सा लाइन भी बना सकते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ पेंटिंग मटेरियल्स नहीं मिल पाता है अच्छे क्वालिटी का, जैसे कि मीडियम नहीं मिलता है, ब्रश पेंट और थिन पेपर नहीं मिल पाता है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आसानी से घर बैठे अच्छे क्वालिटी का पेंटिंग मटेरियल्स मंगा सकते हैं। यदि आप उस लिंक के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो यदि आप चाहें तो मंगा सकते हैं उस लिंक के द्वारा। तो कैसा लगा आप सबको लीफ बनाने का तरीका? है ना बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है लीफ बनाने का। तो चलिए इतना ही आसान तरीका आपको बताते हैं फ्लावर पेंटिंग का भी। तो फ्लावर पेंटिंग के लिए हम लिए हैं क्रिम्सन रेड कलर और वही ब्लू कलर यूज करेंगे इसमें जो कि हम लीफ में किए थे, यानी पूरे डिजाइन को बनाने में मात्र 3 कलर का ही यूज करेंगे। फ्लावर की पंखुड़ियों को इस तरीके से पहले रेड कलर से फिल कर लेंगे, यानी जो भी पंखुड़िया बाहर की तरफ निकली हुई है पहले उसको फिल करेंगे रेड कलर से, इस तरीके से, इस तरीके से आसानी से फिल कर लेंगे। और उसके बाद वही ब्लू कलर जो हम पत्ती में यूज किए थे उससे इस तरीके से अंदर के तरफ पतला लाइन बनाएंगे। यदि आपके पास कोई दूसरा ब्रश हो तो ब्लू कलर के लिए दूसरा ब्रश ही यूज कीजिए, बेटर रहेगा। इस तरीके से पतला ब्रश से लाइन बना लीजिए और उसके बाद फिर फ्लैट ब्रश से उसे मिक्स कर दीजिए, तो बहुत ही प्यारा आपका गुलाब बन जाएगा।
तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। तो देखा आपने कितना आसानी से इतना प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हम पर्दा पे डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो पूरे फुल पर्दा का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।